दो राइडर है। और कुछ दिन पहले यहाँ पे वो एक कार घुस गई थी। यहाँ कह रहे हैं तो बार बार दुकान ही जाना पड़ता है, और वाइट शूज की वजह से हम ड्राइवर लेके चल रहे हैं। नूबड़ा ड्राइवर चला रही है, ठोके की लग रहा है हमको। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी वक्त हो रहे हैं 9:30 और हम चर्च जा रहे हैं। और आज है क्रिसमस, सबों को मेरी क्रिसमस। और मेरे साथ है राइडर गर्ल जो लेके जा रही है मेरे को। और चलो देखो, वाइट शूज पहना हुआ है मैंने, इस वजह से गाड़ी नहीं चला। कई लोग ओवरटेक करेगा, राइट से करो। हाँ राइट से करो, नहीं गया, छोड़ो छोड़ो, बहुत पीछे चलो अभी लोग से। फाइनली पास मिल गया हमें मौसा के द्वारा। और हमारा पारिस का सबसे खास बात यह है कि बहुत ज़्यादा अंदर है भाई, गांव में ही है लेकिन जंगल के पास है। देखो तो इस साइड जंगल, इस साइड जंगल, तो को जंगल के सामने और पहुँचने वाले हैं। और तेरी चर्च स्टार्ट हो गया है भाई। तो गाइस चर्च खत्म हो गया और हम लोग निकल रहे हैं घर। और ये नूबड़ा ड्राइवर चला रही है, ठोके की लग रहा है हमको। चलो गाइस आओ, गाइस आओ। वाह, चर्च करना चाहिए, चर्च के बाद चेहरे पे चमक देख रहे हो गाइस। हाँ, झूम झूम के गुड मॉर्निंग। अभी वक्त हो रहे हैं करीबन 10:30 और भाई ये ऑफ रोड, एक मिनट इसे तो कर लूं, ये तो मेरे लिए बनी है। तो आज का दिन है 26 तारीख दिसंबर, क्योंकि हम घर में थे तो आने का कुछ सीन नहीं था, लेकिन अचानक से कुछ मेरा काम आ गया कचहरी का, तो फिर निकलना पड़ रहा है। आई होप सबों का क्रिसमस बहुत अच्छे से मना होगा यार। थोड़ा टान के देखते हैं कितना टनता है गाड़ी, 120 से ज़्यादा जाएगा नहीं। Five hours later. तो गाइस रांची आ चुके हैं हम। रांची आके मेरा काम था, सारा काम निपटा लिए, फिर रांची वाले घर पे आए, फिर कुछ देर वहाँ थे, फिर अब यहाँ से निकल रहे हैं। 4 बज गए हैं नेट अभी। और भाई गाड़ी बहुत दिन बाद पकड़ लो ना, 4-5 घंटे तो मज़ा ही बढ़ जाता है। सनसेट नहीं होना था यार, ये बढ़िया जगह लगता है सनसेट के लिए। और कुछ दिन पहले यहाँ पे वो एक कार घुस गई थी यहाँ तालाब पे। रांची का सबसे बड़ा तालाब है वैसे, सनसेट हुआ नहीं है या फिर हो गया या बादल में छिप गया कह सकते हो। वाओ गोल्डन आवर, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है पूरा दिन भर का मेरे हिसाब से, मेरे लिए, क्योंकि इतना अच्छा बना रहता है ना मौसम इस टाइम में। चलो खाली जगह पे दिखलाते हैं आपको और आधे घंटे में घर पहुंच ही जाएंगे। कुछ हो चाहे ना हो, बस हाथ में बाइक होना चाहिए। बाइक क्या कार, अपन ट्रैवल करते रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन कहीं भी जा सकता है। वाव एक सेकेंड, ये वाव इसके लिए नहीं था, वो सन देख रहे हो पूरा गोल हो गया वो। भाई गोप्रो का सीन ऐसा क्यों होता है कि अचानक से ऑन अचानक से ऑफ, और बंद भी रखो तो रात रात के 2 बजे मैं नहीं उठता, गोप्रो उठ के ऑन ऑफ होते रहता अपने से, क्या हो जाता है, भूत पकड़ा शायद इसे। अरे फिर से जी नगड़ी का ये हाल, आज तक खुला मिला ही नहीं है मेरे को, और किसी को मिला होगा तो किस्मत वाला भाई। और हमारे आगे एक राइडर WB से मिले हैं,
मतलब रास्ते में चल रहे हो शायद, नजरहाट जा रहे हैं मेरे हिसाब से। प्लेटफॉर्म में चल रहे हैं भाई, सोचे मुलाकात कर ले। कहाँ जा रहे हो? नेदरहाट। मेरा घर ही है भाई यहाँ। नहीं नहीं, नेदरहाट से पहले घर यहीं पे घर है बस। रांची गए थे। हाँ नॉर्मल, मेरा ट्रिप लंबा होता है यार। अच्छा भेंट कर गए पे रुक के, लेट हो रहा है क्या आपका? चलो मिलते हैं, आगे कहीं रोक लो ना चाय वाय पीता। चलो तो भाई इन लोगों को चाय के लिए ऑफर करा मैंने, तो रुकते हैं मुलाकात करते हैं कहीं पर। तो बेड़ो पहुंच गए हैं और वो भाई लोग पीछे आ रहे हैं, वो लोग को रुकने बोला गया। मतलब हम बोले कि भाई रुक जा चाय वाय पीते हैं बातें करते हैं, 5-10 मिनट टाइम है ना। आपका घर कहाँ पे बोले? मेरा घर यहीं पे, जस्ट ये वाला है ना, ये चौक आगे उसी के पास में। ये भी तो रांची है ना? हाँ ये भी तो रांची है ना। हाँ रांची में पड़ता है। नेदरहाट जा रहे हो? हाँ। कुछ लाइनअप है वहाँ? नहीं। चलो कर देते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। वैसे नाम क्या हुआ आपका? सैकत। अंकित। शेखर। सैकत। सैकत। हाँ। ओके, और वो आपके दोस्त? ओके, चाय पीते हो ना? अभी हम लोग खा पी के निकलो। चलो लाइनअप कर देता हूँ यार। लोअर घाघरी है, अपर घाघरी। अगर कुछ भी दिक्कत ऐसा हो जाता है ना तो मेरा नंबर भाई इंस्टा में दिया हुआ है, कॉल करना भाई मेरे को। अभी एक साथ का प्लान करेंगे। डन।